ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और एक्स वाई में हमने पहले पार्ट को क्या बोला एफ सी सा एंड वाई को क्या बोला ऑडियंस। तो एक आपका एक्स हो गया और एक पार्ट में हाँ बोलो हाँ मैं सुन रहा हूँ ओके हाँ जानवी उधमपुर से बोल रहे हो गुड हाँ आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल बिल्कुल मैं भी आंसर दूंगा उसका। आपने आंसर पूछा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट को किस तरह से डिनोट करें किसी भी पॉइंट को, तो उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू किसकी इक्वल जा रही है जीरो की इक्वल जा रही है। जैसे हम यहां पे डिफाइन करेंगे एक्स एक्सिस पे हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी जीरो से पता चलेगा। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं कि वाई एक्सिस पे जानकारी देते हुए संजीव कुमार ने दसा कि सब लोग जानते हैं कि ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। पॉइंट है इसमें 0 एंड 3 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू क्या होगी 3 ये पॉइंट हो गया ओके और इसमें एक आपके पास क्या पॉइंट है 1 0। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं फ्री हैंड से तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आपकी x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है। चेक किया ये पॉइंट्स रहे ये 2 पॉइंट्स पे क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है। और अगर ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक चीज देखिए इसका जो ग्राफ है वो अपर पैराबोला है 1 और एनी कॉलम 1 1 कैटेगरी 3 विच कम्स 1 1 इन ईच रो और इन कॉलम आफ्टर 1 और 2 ऑपरेशंस ओके। बट मैंने जैसा कहा था कि लास्ट जो कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कैटेगरी 4 के क्वेश्चंस। और कैटेगरी 4 के क्वेश्चन किस तरह के होंगे उसकी मैं एक एग्जांपल यहां पे रख रहा हूं एंड देन हाय सर आई एम अखिला फ्रॉम केवी नंबर 1 उधमपुर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर एक्सीलेंट टीचिंग। हाय सर आई एम हर मदर योर वर्क ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड इज कमेंडेबल शी इज वेरी कीन टू अटेंड योर क्लासेस थैंक यू सो मच सर जय हिंद। सर मेरी बेटी अमृता चौधरी केवी उधमपुर में 10th क्लास में पढ़ती है और इस बार उसका बोर्ड का एग्जाम होना है 10th का। तो COVID-19 की वजह से जो लॉकडाउन हो रखा है इसमें उनकी स्टडीज काफी डिस्टर्ब हो रही थी। संजीव सर के द्वारा जो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उससे काफी फायदा मिल रहा है और मैं संजीव सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सर यू आर ऑल्सो ए कोविड वॉरियर और आप जो ये चीज कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है और इससे हमारे बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है और आप रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं टेस्ट भी ले रहे हैं मैंने एक दो सेशन आपके अटेंड भी किए देखा है। तो यू आर ग्रेट सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बेटी कंदला झा क्लास 10th में पढ़ती है और आजकल वो संजीव सर से मैथ्स का क्लास ले रही है सुबह 8 से 9 और सर फिर भी पढ़ा रही है और मैं यहाँ हैदराबाद में बैठकर मेरी बेटी उनके पंजाब भटिंडा से क्लास सुन रहे हैं थैंक्स टू हिम। उनके इस टीचिंग प्रोफेशन के प्रति जो पैशन है वो सराहनीय है। आई रियली अप्रिशिएट हिज प्रोएक्टिव नेचर थैंक्स सर थैंक्स अ लॉट क्यों बेटी हाँ सर की ना तो बताती कितना ब्लॉक
मेरा नाम जी संजीव कुमार है, पेशे तो मैं अध्यापक हाँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बठिंडा कैंट के लैक्चरर मैथ की पोस्ट पर हाँ। लॉकडाउन की परिस्थिति ने मैं एक सीखने लिए मजबूर किया कि हम मेरे स्टूडेंट जोड़े मेरी क्लास के पढ़ रहे हैं वो किस तरह ना कर 20 तरीक तो मैं भी सर्च करनी शुरू की 20 तरीक तो सर्च करते करते 29 तरीक तक इस सिस्टम को समझा तो 29 तरीक नी पहली क्लास ले ली। पहली क्लास के 50 बच्चे साढ़े नाल जुड़े। उस तो बाद जिमें ही लोगों इस बारे पता लग्या तो साढ़े नाल बच्चे होर जुड़ते गए। फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मैं यह एप्पल आईपैड देता जिस नाल साडी क्लास दे विच बहुत ही क्रांतिकारी चेंज होया। तो दोस्तों मित्रों की हैल्प दे नाल वट्सएप ग्रुप दे विच भेजे गए मैसेज ने एक वायरल रूप ले लिया। तो साडा जिहड़ा मिशन सी ओ 500 बच्चे तक पहुँचते असी 4 अप्रैल तक 500 बच्चे तक पहुँच गए सी। उस तो बाद असी इस दे विच बहुत सारे चेंजेस किए। फिर असी पहला तो ही साडा जिहड़ा प्रोजैक्ट सी ओ निशुल्क चल रहा सी। असी किसी बच्चे तो भी इस बार इस बाबत कोई फीस नहीं लैंदी ते ना ही लवांगे। इस ऐप नूं सक्सैसफुली चलाउण लई ते बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान रखने लई फिर दोस्तों मित्रों की सलाह के नाल मैं इस ऐप का बिजनेस प्लैन ले लिया जो कि बिल्कुल सिक्योर ते गवर्नमेंट की एडवाइजरी के मुताबिक सी। हुण असी इह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया के बच्चों की लै रहे हैं जिस दे विच साडे कोले इस टाइम 800 दे लगभग बच्चा जुड़िया होया है। तो उन्हां बच्चों ने सानू अपनी डिटेल भी दित्ती है, बच्चों तो फीडबैक लेना, उन्हां दे टेस्ट लेना, इत्थों उन्हां नू फीडबैक देना ते डेली 5 या 7 बच्चों नाल सिलेक्टेड बच्चों नाल गल करना हुण साडा रूटीन हो गया है। इस तो बाद असी जिहड़े इस दे विच एक चेंजेस करन जा रहे हैं बहुत वड्डे लैवल ते, वो चेंजेस साडे ये है कि असी हुण गूगल फॉर्म की शेप दे विच बच्चों के कोल टेस्ट भेजांगे जिहड़े बच्चे अपने पेरेंट की निगरानी दे विच टेस्ट करनगे ते सानू उसकी फीडबैक तुरंत मिलेगी। बच्चों के उत्साह नूं देख के होए साडा भी मन कर रहा भी असी इहदे विच कुछ होर चेंजेस करिए ते जिवें जिवें दिन अगे चलणगे ते मैं ये भी पूरा ध्यान दवा देना चाहुंदा तुहाडे कोल कि साडे मैनू यह सपोर्ट मेरे पुराने विद्यार्थी कर रहे हैं। वो मेरे विद्यार्थी मेरा सारा जो नंबर थोड़े डिस्प्ले हो रहा है उस डिस्प्ले का सारा काम मेरे विद्यार्थी देखते हैं। वो विद्यार्थी बच्चों वट्सएप ग्रुप के शामिल करना, उन्होंने पासवर्ड भेजना, उन्होंने हर क्वारी नू साउट आउट करना ये मेरे पुराने विद्यार्थियों का काम है। तो उन्हों की मदद के नाल मेरा काम इतने क्लास लेना तो कंटेंट देना है बच्चों। टाइमिंग की रहू क्लास हाँ क्लास की टाइमिंग साढ़े को इस तरह जी भी जिवें असी 8 to 9 डेली का शड्यूल दस रहे हैं थानू, जिवें असी 8 to 9 10वीं क्लास लै रहे हैं, 9 to 10 9वीं क्लास लै रहे हैं, फिर असी शाम 4 to 5 11वीं क्लास लै रहे हैं, तो फिर असी 5 to 6 डेली 12वीं की क्लास लै रहे हैं। तो असी हुण नैक्सट 1-2 दिनों के 8वीं क्लास भी शुरू कर जा रहे हैं। असी उहदे लई बच्चों की रजिस्ट्रेशन शुरू करती है, बच्चों के साडे कोले मैसेजेस आ गए हैं तो असी नैक्सट 1-2 डेज़ के 8वीं क्लास भी ये शुरू कर रहे हैं। तुहानू भी लगता भी तुसीं इहदे च मोटियां फीसां लै सकदे सीगे ते तुसीं इह फीसां नहीं लईआं, कारण की रहा है? देखो इंसान सब कुछ सोचता है, कोई रब नहीं होंदा, आया ख्याल मन दे विच पर पिछोकड़ ने अलाउ नहीं किया ते कुछ आप दी आत्मा नहीं मनी भी गौरमेंट लोग लंगर ला रहे हैं इन्ना कुछ कर रहे हैं ते आपां समाज दे लई जिहड़ी परमात्मा ने आपां नूं विद्या दित्ती है वह भी नहीं दे सकते। तो ये जिहड़े नैगेटिव ख्याल सी जां जिहड़ियां सलाहां सी ये बहुतियां कारगर नहीं हुई तो इस चीज़ को दूर कर दिता गया कि नहीं ये सेवा है तो सेवा की तरह ही चलूगी। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।